हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी, आप देख रहे हैं जॉनी टेक थेरेपी। और भाई स्वागत है आपका अपनी ही एक नई वीडियो में। और ये वीडियो है गोवो 900 वर्सेस पोर्ट थम्ब। तो भाई साउंड टेस्ट तो हम लोगों ने बहुत कर ली, लेकिन भाई ये वीडियो रहेगी थोड़ी सी डिटेल वाली। जैसे कि काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे थे भाई इनकी लुक्स में क्या फ़र्क है या फिर साउंड में क्या फ़र्क है। मैं आपको इस वीडियो में सारा कवर कर दूंगा और जो जो साउंड टेस्ट है उसको भी मैं इसमें लगा दूंगा। लेकिन भाई साउंड टेस्ट पे आप ये सोचो कि मैं वहाँ पे जल्दी से वीडियो कट करके देख लूँ, ऐसा मत करना। मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सुनो, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो भाई ये है गोबो का साउंड बार और ये है बोट का साउंड बार। तो भाई सबसे पहले तो जो मेन बात है लुक्स, हो सकता है आप लोगों को गोबो की लुक पसंद आए, जैसे कि इस तरह का कुछ दिखता है ये, ठीक है। ये इस तरह का दिखता है और ये है बोट वाला। ये बोट वाला थोड़ा इस तरह का दिखता है, लास्ट में है इसकी ब्रांडिंग और इस वाले की मिडिल में है। और देखिए जैसे कि ये बोट वाले के थंब की जो बटन की पोजीशनिंग है साइड में है। ये देखिए जैसे वॉल्यूम बटन, पावर बटन और ये जो मोड वाला और ये प्ले पॉज और ये यूएसबी। अगर हम क्लोजअप करके देखें यूएसबी की क्वालिटी ठीक है। और पीछे से कनेक्टिविटी चेक करते हैं तो भाई जैसे ये है, देखिए ऑक्स है, ऑप्टिकल है, एचडीएमआई है और ये सब आउटपुट जिसमें आपके वूफर की वायर कनेक्ट होगी। एंड अपने गोबो वाले को देखा जाए तो सेम इसी के लिए जाता है। जैसे ये देखिए भाई गोवा वाले के तो इतनी गंदी हालत हो रखी है ना, साफ ही नहीं करो। तो जैसे कि देखिए ऑक्स इन सेम, बिल्कुल सेम सेम आउटपुट है इन सबका, ठीक है। सारे सेम बोट हैं। और ये चेक कर लीजिए इसका, ये 200 वॉट लिखा आउट पावर, मेड इन चाइना। ये भी ये मेड इन चाइना है और ये भी मेड इन चाइना है। मतलब एकदम दिल में लगते हो, एकदम मतलब मुक्के पड़ रहे हैं ऐसे छाती में, ऐसे ऐसे समझ लो यार तुम। एकदम ट्यूब बेस ट्यूब कह सकते हैं क्या, और क्या कहते हैं यार, कार वाली फीलिंग, मतलब कार की बेस ट्यूब वाली फीलिंग आ जाती है। और इसकी रहती है जैसे नॉर्मल अपने घर पे साउंड मतलब होते हैं वूफर, उसी तरह के साउंड आएगा लेकिन थोड़ा तेज, ठीक है। ये तो मैंने चलो यार आपको लुक्स बता दी इसकी। और लुक्स तो यार आपके ऊपर ही बात है, आपको क्या पसंद है। इस वाले का यूएसबी पोर्ट की क्वालिटी कैसी है गो वाले की, इसकी भी ठीक है। और इसके बटन ये देखो भाई, इसके बटन कुछ इस तरह के मिलते हैं। अगर यार लुक्स की बात करें तो मेरे को ना गोवो वाला ज़्यादा पसंद है लुक्स के मामले में, साउंड बार। वूफर मेरे को बोट वाले का पसंद है। अब वेट की बात करें तो यहाँ से उठाऊंगा ना तब पता लगेगा कौन ज़्यादा भारी है। भाई अबे बोट वाला बहुत हल्का है भाई, ये देखो कैसे उठा रहा हूँ मैं, देख रहे हो। ये तो उठ ही नहीं रहा, ये भारी है भाई, ये वाला भारी है वेट के मामले में, गोवो ज़्यादा है। और मेरे को ऐसा लगता है शायद अगर जो शायद इस साउंड बार के मामले में जिसके स्पीकर हैवी होते हैं शायद वही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब मैंने दोनों की साउंड सुनी तो मेरे को ना साउंड साउंड बार जैसे अपने डायलॉग्स वगैरह इसमें थोड़े और ज़्यादा एनहांस होकर आते हैं बोट वाले में, तो मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा पसंद है डायलॉग्स वगैरह के मामले में। लेकिन ऐसे मत सोचना भाई मैं इसको बुरा कह रहा हूँ, कहीं भाई आप नाराज़ हो जाओगे भाई गोगो कैसे बोल दिया। भाई ये भी मस्त है, इसमें भी आते हैं लेकिन उससे थोड़ी कम, मतलब समझ रहे हो, कम छोटी मोटी डिटेल्स कम आती हैं इसमें उससे। और अब बात करते हैं अपने वूफर की। तो भाई देखो आपके सामने ये दोनों वूफर मैंने रख दिए, ये है गोबो का और ये है बोट का।
भाई लुक लुक्स के मामले में तो इतना मस्त है ना गो, ये बोट वाला मतलब बहुत, मतलब पहली बार आप देखोगे ना आप ये भी नहीं सोचोगे कि मैं गोवो का खरीद लूं, कि हाँ भाई क्या लुक्स है वो, ये सोचोगे आप। लेकिन अगर देखो एक चीज़ पहले बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको मैं कुछ कमी बताता हूँ ना वीडियो में, तब ये मत सोचा करो कि हाँ भाई उस प्रोडक्ट की मैं बेइज्जती कर रहा हूँ। भाई बोट वाले की वायर कुछ सेंटीमीटर लंबी है गोवो वाले से, ये देखो ठीक है, मैंने लोगो छुपा दिया, आपको पता लग रहा है कौन सी ब्रांड का है, नहीं ना। तो जो रिमोट है ये है, अब है गोवो का, अब है बोट का, नया वाला अभी भाई मैंने रखा हुआ है अलमारी में, क्योंकि भाई अब जिसको बेचूंगा उसका नया रिमोट मिल जाएगा, बिना खोले तो क्या दिक्कत है। सेम फंक्शन, सेम सब चीज, सेम भाई सब चीज, कुछ फर्क नहीं। लेकिन इसका प्राइस है 9,000, इसका है भाई 6,500, और 6,500 में जो ये चीज मिल रही है ना, सही बता रहा हूँ भाई, टक्कर में कोई साउंड बार नहीं है 6,500 रुपये में, मतलब मस्त एकदम। और नौ, अब जैसे बोट वालों को भाई मेरे ये ना 200 वॉट का अंडर 10,000, ये एक ही है, एक ही साउंड बार है। और अगर भाई आपको बोट में ही चाहिए 200 वॉट का साउंड बार, तो बस इससे बड़े तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं। अगर आपको बोट का ही चाहिए, अगर आपको भाई कंपनी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप गोवो ले लो। बताओ 9,000 और 6,500 में भाई जमीन आसमान का फ़र्क है प्राइस में। और आपको एक कमी बता देता हूँ गोवो वाले की, जैसे इसके साउंड बार है ठीक है, इसमें ना एक लाइट आती है RGB लाइट, RGB कह रहा हूँ माफ़ करना, ग्रीन लाइट आती है ऐसे यहाँ पे, वो ना उसमें कुछ डिफेक्ट है, वो पता नहीं क्या होता है उसमें, वो ना काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बता दिया कि उनकी लाइट भी ब्लिंक करती है, और भाई मेरे वाली भी ब्लिंक करती है। और अगर आपको लाइट ऑफ करनी है ना, तो यहाँ पे बटन है, ये दिख रहा है आपको, इसको दबा देना, ये लाइट ऑफ हो जाएगी। और कनेक्ट, और एक नया अपडेट और है इसका, जो नए वाले गोवो के मॉडल हैं उसमें ऑप्टिकल पोर्ट नहीं मिलेगा आपको, तो कनेक्टिविटी के मामले में तो भाई फिलहाल तो बोट जीत जाता है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा ये ऑप्टिकल पोर्ट। अगर भाई आपको ऑप्टिकल से ही सुननी है अपने मूवी गाने ठीक है, तो कि जैसा वीडियो में साउंड आ रही थी वैसी तो नहीं आई। और भाई मैंने अपने भाई, जिन जिन भाइयों ने मेरे से पूछा था कौन सी साउंड यूज़ करता हूँ मैं गाने बजाने के लिए, तो उनको मैंने बताया था साउंड क्लाउड, और उन्होंने टेस्ट करा है, तो उनके भी पड़ोसी आ गए थे भाई कि प्लीज़ इसे बंद कर दो भाई, ऐसा है भाई। तो क्लियर विनर कौन सा है इसमें से भाई? क्लियर विनर है गोवो, क्योंकि एक तो प्राइस और साउंड और बेस इन सबको मिला के अभी भी इससे ऊपर है भाई, ठीक है ये बुरा नहीं है। लेकिन गोवो तो भाई पता नहीं क्या ही ब्रांड बन, मतलब क्या ही प्रोडक्ट है, मेरे को खुद नहीं, मेरे को लग रहा है कंपनी वालों को खुद नहीं पता कि उन्होंने गलती से बना दिया क्या कर दिया। और 920 वाले की साउंड सेम है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, उसका जो वायरलेस सबवूफर है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब यार पता नहीं क्या ही है वो उसमें डिफेक्ट। तो इस बारे में हमेशा लोगों को कहता हूँ भाई 900 ले लो, अगर 920 की जगह पैसे ही बच जाएंगे और तुम दुखी भी नहीं होगे। और यार इस इतनी मतलब ये वीडियोस बनाता ना मैं यूं ही बनाता हूँ कि यार तुम भी दुखी ना हो, और मतलब मेरे को भी अपने चैनल के लिए कंटेंट मिल जाते है, तुम लोगों से कनेक्ट भी रहता हूँ मैं, और अपने नए नए भाई बनते रहते हैं, तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या ही चाहिए मेरे को। तो अब जो आगे वीडियोज़ रहेंगी उसमें सारे मतलब साउंड टेस्ट कंबाइन कर दूंगा, आराम से सुनना, अपने आप जज करना कि हाँ भी साउंड किसकी अच्छी है। और तुम्हारे जज करने से पहले यार मैं ही बता देता हूँ कि गोवो है ना, जो भाई साहब ऐसी बेस आती है ना इसमें से, मतलब ऐसे मैं कमरा हिल जाता भाई। मकान भले ही ईंट और पत्थर से बनता हो, पर एक घर रिश्तों से बनता है। क्या बात है, आज के दौर में भी जॉइंट फैमिलीज मौजूद है, देखकर अच्छा लगा कि आपने सिर्फ अपने दो बेटों को ही परिवार का हिस्सा बताया, लेकिन अपने Reddit.
तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। इस वाले गाने से पता लगेगा अभी जब टेस्ट करेंगे तब पता लगेगा। साउंड मैंने भी कहा था भाई फोटोशॉप कर रखा है। चलो हाँ भाई देखो ये नॉर्मल वीडियोस में भी देखने में फुल मजा आता है, ठीक है। और अभी कोई मूवी का ट्रेलर ठीक है।